हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, तो इसमें अपन देख रहे थे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है, तो इसमें अपने अभी तक इसमें मैक्सिम्स जो है कुछ मैक्सिम अपन ने देखे थे कि भी जो कौन से जो गाइडलाइन जो है टीचिंग की एक टीचर को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें अपने एनालिसिस टू सिंथेसिस जो है यहाँ तक अपन ने मैक्सिम्स देखे थे। तो नेक्स्ट अगर अपन मैक्सिम्स की बात करेंगे वह है एम्पेरिकल टू रेशनल। नेक्स्ट जो अपना मैक्सिम जो है एम्पेरिकल टू रेशनल, ठीक है। तो इसमें एक मिनट यार, सॉरी, यस, हाँ, एम्पेरिकल टू रेशनल मतलब इसमें अपन कोई भी टीचिंग अपन स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या होना चाहिए, एम्पेरिकल, एंड देन सेकंड रेशनल, मतलब कोई भी टॉपिक जो है उसका जो एक्सपीरियंस है वो अपन पहले देना चाहिए, जो एक्सपीरियंस जो है, नॉलेज जो है वो अपन जहां तक है वो पहले अपन बताएंगे। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का जो नॉलेज है वो अपन जहां तक है वो अपन पहले बताएंगे, अपना जो नॉलेज है वो अपन उसको बताएंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, रेशनली अपन उसको कह सकते हैं कि हाँ ये जैसे अपन फंडामेंटल में कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसका स्टेप होता है हैंड वॉशिंग, है ना। पहले अपन बताएंगे हैंड वॉशिंग, उसके बाद उसका रेशनल जो है अपन हैंड वॉशिंग के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उसका रेशनल बताएंगे कि हैंड वॉशिंग अपने को क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल मीन्स मतलब जो साइकोलॉजिकल जो अप्रोच है इसमें अपन जो किस चीज को कंसिडर करेंगे, जो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट की जो एबिलिटीज जो है, एप्टीट्यूड जो है, या कह सकते हैं उसकी जो नीड जो है, रिएक्शन जो है, वो अपन क्या करेंगे पहले उनको बताएंगे, मतलब जो साइकोलॉजिकल है वो पहले, एंड देन लॉजिकल जो अपन कह सकते हैं, लॉजिकल जो अप्रोच जो है उसमें अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अपना जो सब्जेक्ट जो मैटर कह सकते हैं, या अपना जो भी किस तरह से अपन जो सब्जेक्ट के जो स्टेप जो है, या कोई भी टॉपिक है उसके स्टेप को अपन अरेंज कर रहे हैं, किस तरह से उसको मतलब एडजस्ट कर रहे हैं, वो क्या हो गया लॉजिकल, ठीक है। तो हमेशा अपन क्या करना है, फर्स्ट अपन साइकोलॉजिकली अपने को मतलब कहने मतलब स्टूडेंट जो है जैसे कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं अपन, ठीक है, तो पहले अपन क्या देखेंगे कि साइकोलॉजिकली प्रिपेयर, मतलब टीचर, बहुत टीचर एंड स्टूडेंट, है ना। एंड देन नेक्स्ट अपना जो अपना एम क्या रहेगा कि भी हाँ पहले स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है, उसके बाद जो टॉपिक है अपने को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो क्या होगा, साइकोलॉजिकल फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू रेशनल, सॉरी साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अपन कह सकते हैं नॉर्मली जो कोई भी टॉपिक जो है ना, उसका पहले अपन क्या करेंगे, नॉर्मली जो मॉडल जो है अपन कह सकते हैं, मॉडल जो है, चार्ट वगैरह है, या अदर कोई भी जो एड है, वो अपन उसके हेल्प से अपन क्या करेंगे, उसको एक्चुअली में अपन उसको या कह सकते हैं नॉर्मली प्रेजेंट करेंगे उसके सामने एक्चुअल में, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट जो है, रियल जो ऑब्जेक्ट है ना, या कह सकते हैं कि टू उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड जो जैसे नॉर्मली पिक्चर वगैरह है, मॉडल जो है, वो अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो पहले अपन क्या करेंगे, जो एक्चुअल जो है वो अपन प्रेजेंट करेंगे। जैसे नॉर्मली अपन कोई देखते हैं कोई भी वीडियो जो है ना, वीडियो जैसे अपन ब्लड सर्कुलेशन, है ना, ब्लड सर्कुलेशन का पहले अपन क्या बताएंगे, उसका एक वीडियो अपन उसको शो कर सकते हैं, स्टूडेंट को दिखा सकते हैं वीडियो, वो हो गया एक्चुअल, एक्चुअल में अपन वीडियो दिखा दिया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो चार्ट वगैरह है उसको अपन, उससे रिलेटेड जो चार्ट है, पोस्टर वगैरह है, वो उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये भी एक टीचिंग का एक इफेक्टिव अपन मैक्सिम्स कह सकते हैं, ठीक है, इसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट अपन देखें इंडक्शन टू डिडक्शन मीन्स अपन कह सकते हैं पहले क्या करना है, अपने को इंड्यूस करना है ना, एंड देन डिडक्ट, मतलब जैसे अपन मैथ में मानते हैं कि माना कि एक्स का मान ये है, माना कि ये है, जो भी अपन मानते हैं ना कि माना कि एक्स का मान ये है, एक्स बराबर ये है, वो पहले अपन इंड्यूस करेंगे, और उसके बाद फाइनली अपन देखते हैं कि हाँ भी एक्स का मान ये रियल में ये है ना। जैसे माना कि एक्स का मान अपने क्या माना, जैसे माना कि ये एक्स है, माना कि ये वाई है, और लास्ट में अपने देखा कि एक्स और वाई है कौन, है ना, रियल में, तो वो हो गया डिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है अपन देखेंगे इंडक्शन जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जो अपन ने पहले पे देखा था पर्टिकुलर टू जनरल, और अपन अब स्पेसिफिक, और अपन देखेंगे स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब इसमें पहले अपन जो नॉर्मली
नॉर्मली जैसे अपन स्पेसिफिक जो है ना, नॉर्मली स्पेसिफिक क्या है उसके बाद अपन देखेंगे जनरल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने आयरन जो है अपनी बॉडी में, आयरन का जो रोल क्या है ना, आयरन का रोल क्या है वो हो गया स्पेसिफिक, ठीक है। और उसके बाद अपन देखेंगे कि जैसे एनीमिया है ना, एनीमिया या कह सकते हैं कि एनीमिया का अपन, जैसे एनीमिया होता है अपनी बॉडी में, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक, या सॉरी ये हो गया जनरल, और स्पेसिफिक क्या हो गया इसमें, आयरन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्रॉम जनरल टू स्पीक हो गया, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये दोनों थोड़ा सा इसमें, ये आप इसमें जनरल टू स्पेसिफिक फॉलो करना है, नहीं कि स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट अपन देखेंगे इनडेफिनेट टू डेफिनेट, इनडेफिनेट टू डेफिनेट मीन्स पहले अपने क्या करना है, जो इनडेफिनेट है, जो स्टूडेंट को इनडेफिनेट है वो अपन क्लियर करेंगे, है ना, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो डेफिनेट जो है वो अपन उसको क्लियर करेंगे, को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेट इनडेफिनेट, ओवरव्यू टू डिटेल्स, ओवरव्यू टू डिटेल्स मतलब पहले अपन क्या करेंगे, नॉर्मली जब टीचिंग अपन परफॉर्म कर रहे हैं है ना, पहले इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है ना, कोई भी उसको अपन शो करेंगे है ना, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपन, जैसे वाइटल साइन जो है, प्रोसीजर टीपीआर अपने को लेना है, तो अपन पहले अपन क्या करेंगे, टीपीआर में जो भी जो असेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट जो है उनके बारे में पहले अपन बताएंगे, करें ओवरव्यू करेंगे, और उसके बाद अपन डिटेल से उनके बारे में बताएंगे, पहले अपन शो करेंगे उसके बाद अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये हो गया ओवरव्यू। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग मतलब पहले अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पहले स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको मौका देंगे कि भी हाँ आप ऑब्जर्व करो, असेस करो, नोटिस करो कि भी हाँ इसमें किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो टॉपिक में, ठीक है। तो उसके लिए अपन पहले उसको ऑब्जर्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, रीजनिंग के थ्रू अपन उस टॉपिक को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी रीजन जो है वो स्टूडेंट को अपन बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है फॉलो नेचर, फॉलो नेचर मतलब अपन क्या कर सकते हैं कि जो फ्यूचर जो है, या कह सकते हैं टीचर जो है ना, उसका जो टीचर को क्या करना चाहिए, जो नेचर जो है उसको फॉलो करना चाहिए, टीचिंग का जो भी नेचर है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो भी जितने भी जो मैक्सिम्स है उसको टीचर जो है वो टीचिंग के दौरान फॉलो करना चाहिए, ताकि जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस हो वो क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। थैंक यू डियर।